ये चीज़ तो पता ही होगी कि हमारे पोकेमोन के वर्ल्ड में यानी कैंटो में ही नहीं लिखे बल्कि सारे अलग रीजन्स में टोटल 8 जिम्स होते हैं और उनके 8 जिम पैच होते हैं। मेरे दोस्तों हमारे जो एनिम में है हमारा जो गैरी है उसने 8 नहीं बल्कि 10 जिम बैचेस कलेक्ट किए हैं अलग अलग सिटीज से। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि गैरी के पास 10 बैच कहाँ से आए और कैसे आए। तो दोस्तों ये जो फुल जो भी थियरी होने वाली है इसका पूरा कॉन्सेप्ट फैन मेड होने वाला है, यानी ये मेरा ओपिनियन है बस। तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता देना कि तुम्हें कैसा लगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाना ताकि तुम्हें लेटेस्ट से वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। तो दोस्तों लेट्स गेट स्ट्रेट इनटू द वीडियो। सो दोस्तों तो भाई लोग तो अभी देखो सुनो, जो हमारा जो पोकेमोन का रीजन होता है वो बेस्ड होता है एक मेन सीरीज पे। तो यार तो मैं ये कह सकता हूँ कि जो हमारा कैंटो रीजन है वो बेस्ड हो सकता है पोकेमोन ओरिजिन पे। अगर नहीं देखा तो जल्दी से जाके देख के यूट्यूब पे। और जो हमारा रेड है भाई लोग ये तो तुम्हें पता होगा ये हमारा सबसे पहला चैम्पियन है गेम्स का। तो भाई लोग ये ट्रैवल कर चुका था 8 सिटीज़ में, 8 डिफरेंट सिटीज़ में और जीता था 8 डिफरेंट बैजेस। तो वही बैजेस को ध्यान में रखते हुए बनाया गया था पोकेमोन की एनिम जो कि है पोकेमोन, ओके ओनली पोकेमोन। तो कमन गोना कैच मॉल, ओके। सो ये पहली चीज़ हमें बनाई गई थी तो हम इसको तो अंडरस्टैंडिंग में रख सकते हैं। जितने बैजेस रेड के पास है उतने ही सेम टू सेम बैजेस हमारे ऐश के पास भी है। तो अभी ये कैसे, तो भाई लोग मैं तुम लोगों को अभी बताता हूँ। तो अभी ये चीज़ तुम इन गेम्स के ऊपर भी डिपेंड होती है कि जो कि है पोकेमोन रेड और पोकेमोन ब्लू जो कि हमारे सबसे पहले गेम्स थे GBA के। तो दोस्तों अब मैं तुम लोगों को एक चीज़ बताता हूँ कि जो पोकेमोन की एनिम होती है वो मतलब एक फैक्ट सुन लो, तो पोकेमोन की एनिम होती है ना वो मतलब एक डायरेक्टली नहीं बनाई जाती बट उसको उस एनिम को क्रिएट करने के लिए पहले पोकेमोन कंपनी को उसका गेम क्रिएट करना पड़ता है। तो जी हाँ, तो तुम इसके लिए गेलार रीजन को ले सकते हो एज ए एग्जाम्पल, यानी सोर्ड एंड शील्ड। तो इसी वजह से मतलब पहले गेम क्रिएट होता है फिर एनिम क्रिएट होती है। और अब बड़ा क्वेश्चन, गैरी को 10 बैजेस कैसे मिले। दोस्तों गैरी को 10 बैजेस कैसे मिले तो तुम लोगों को बता ही देता हूँ। दोस्तों गैरी एक ऐसा बंदा है जो कि अपने साथ चीयर लीडर्स की टीम और एक गाड़ी लेके घूमता है पूरे कैंटो रीजन में, जी हाँ, एट द एज ऑफ 10। तो ये भी हो सकता है कि वो इन आठ जगहों पे ना जाते हुए कहीं और जगहों पे गया। सो यार दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। तो ये था मेरा कॉन्सेप्ट गैरी के ऊपर। तो अगर पसंद आया तो सब्सक्राइब ज़रूर करना चैनल को और दोस्तों उस बेल आइकन को भी दबाना ताकि नोटिफिकेशन मिले और लाइक बटन को भी दबाना ताकि मुझे मोटिवेट मिले। तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि तुम्हें थियरी कैसे लगी और जो थियरी का एंड था वो था गैरी अलग अलग सिटीज़ में गया रहेगा उसकी गाड़ी यूज़ करके। सो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि तुम लोगों को कैसा मिला वीडियो। मिलता तुम लोगों को अगले वीडियो में।